हाँ तो मेरे मित्र और मेरे मित्रानियो, तो आज मैं आप सबको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, अपने फ़ोन में देख सकते हो कि वो कब कहाँ पे है और क्या कर रही है। ये तो नहीं देख सकते, लेकिन आप कहाँ पे है वो ज़रूर देख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी सेटिंग या कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं जुगाड़ बताने वाला हूँ। और जुगाड़ को अप्लाई करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, कोई भी हो बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहोगी हमारे जैसे लोगों को या जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको बेवकूफ़ बनाना, तो इतना आसान तो है नहीं, लेकिन अगर आपको किसी और का देखना है तो आप देख सकते हो। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा, और अगर आपके काम का ये सब जुगाड़ वाले वीडियो आपके काम के हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि ऐसे जुगाड़ वाले वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, भिखारी आपको बोर नहीं करने वाले बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आना है, एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आप देख सकते हो फाइंड माई फ़ोन आपको लिख के सर्च करना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो ऐप मिलता है आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपको पहले से पता है इस ऐप के बारे में तो बढ़िया है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, कौन सा कांड कर सकते हो इससे, तो आपको क्या करना है, आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें अगर हम किसी का लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो उसमें हमें उसका जीमेल आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी हम इसमें किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है उसका जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी नहीं पता है आपको, मुझे पता है, तो घबराना नहीं है। आपको आगे क्या करना है वो देखो, आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ोन में आपको एक फेक जीमेल आईडी क्रिएट करना है। फेक जीमेल आईडी मतलब कि कोई भी जीमेल आईडी आप अपने फ़ोन में एक बना लो, किसी भी नाम से चलेगा, बस आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए और क्या नाम से आपने बनाया है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप जीमेल आईडी बना लोगे उसके बाद आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको अपने उस ऐप को ओपन करना है जो आपने अभी डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हो इस ऐप को जैसे ही हम ओपन करते हैं सबसे पहले ये जीमेल हमारा लॉगिन करने को कहेगा, गूगल अकाउंट जो भी है आपका वो पहले लॉगिन करने को कहता है। तो जैसे ही आप उसका जीमेल आईडी डालोगे उसके बाद कंटिन्यू पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड भी मांगता है। तो आपको अब क्या करना है वो देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत यहाँ पे, आपको अगर आप उससे उसका जीमेल आईडी मांगोगे और पासवर्ड मांगोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देगी, मुझे पता है, कोई भी नहीं देना चाहेगा, कोई भी कुछ भी देना नहीं चाहता, लेकिन लेना सब कुछ चाहता है, आपको ये बात पता है ना, लेना सब कुछ चाहता है। तो आपको उससे लेना नहीं है, आपको उसको देना है, जो आपने फेक आईडी अपने फ़ोन में बनाया है उसका पासवर्ड आपको उसको देना है और उसको बोलना है कि अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो, ठीक है। तो लेना तो सब कुछ चाहता है, अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह दे रहे हो तो लेने से कौन मना करेगा, तो आपको दे देना है, ठीक है। उसको लॉगिन करने को कहना है अपने फ़ोन में, और अगर उसका फ़ोन आपके हाथ लग गया तब तो आपको कुछ बेवकूफ़ बनाने का ज़रूरत ही नहीं, फटाफट लो फ़ोन और तुरंत लॉगिन करो उसके फ़ोन में, अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के सेटअप कंप्लीट कर दो, तुरंत जो भी परमिशन मांगता है देके उसके फ़ोन में लॉगिन कर दो अपना जीमेल आईडी, बस इतना ही तो करना है। सब मिला के आपको बस उसके फ़ोन में अपना फेक जीमेल आईडी लॉगिन करवाना है या करना है, अब आपको कैसे करना है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब उसके फ़ोन में लॉगिन कर लोगे अपना जीमेल आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो फेक आईडी आपने अपने फ़ोन में बनाया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अपने फ़ोन में भी लॉगिन करके रखना है वो वाला फेक जीमेल आईडी, और उसके फ़ोन में भी लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो वाला आईडी जो आपने फेक बनाया है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उस आईडी का पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, तो पासवर्ड तो आपको पता होगा ही क्योंकि इस आईडी को आपने बनाया है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो फ़ोन दिखेगा, एक तो आपके फ़ोन का नाम दिखेगा और एक उसका फ़ोन का नाम दिखेगा जिसके फ़ोन में आपने लॉगिन करवाया है,
तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपका असली काम, लोकेशन ट्रैक करने वाला जुगाड़। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसके फ़ोन का नाम पे क्लिक करना है। अपने फ़ोन के नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपके फ़ोन का लोकेशन दिखेगा, और उसके फ़ोन पे क्लिक करोगे तो उसके फ़ोन का लोकेशन दिखेगा। तो आपको उसके फ़ोन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हो उसका फ़ोन का जो भी लोकेशन होगा फटाफट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और अगर किसी कारणवश आपको ये लोकेशन नहीं दिख रहा है, मतलब कि उसके फ़ोन में लोकेशन ऑन नहीं है या डाटा ऑन नहीं है, ठीक है, अगर उसके फ़ोन में लोकेशन ऑन नहीं होगा तो आपको उसका लोकेशन नहीं दिखेगा। वैसे सबके फ़ोन में अभी डाटा ऑन रहता है, लोकेशन भी ऑन ही रहता है, कौन उतना दिमाग लगाता है बार बार ऑन ऑफ करने का, तो ऑन ही रहता है, आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऑन नहीं रहेगा फिर भी आपको दिखेगा, जब उसका फ़ोन का लोकेशन ऑन था उस टाइम का लोकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हो जो फ़ोन का मैं अभी दिख रहा है, मतलब कि देख रहा हूँ, लास्ट सीन एट 12 मिनट, यहाँ पे 12 मिनट पहले ये वाला फ़ोन यहाँ पे था, ये दिख रहा है। फिर से आपको अगर बाद में देखना तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये फ़ोन 3 मिनट पहले यहाँ पे था, आपको ये भी दिख जाएगा, करंट लोकेशन भी दिख जाएगा यहाँ पे आपको, वो कब कहाँ पे है, ठीक है। अब आपको और भी अगर कुछ जानना है तो कमेंट करके बताओ, लोकेशन कैसे देखना है ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो आप लोकेशन तो देख ही सकते हो और उसके फ़ोन में रिंग भी कर सकते हो। अब प्ले साउंड पे क्लिक करोगे तो वो जो भी फ़ोन का आप लोकेशन देख रहे हो उस फ़ोन में साउंड भी बजना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ भी कर सकते हो, आप दिखाता हूँ मैं और क्या क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पर सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उसमें अगर आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है, क्रिएट करना है, तो आप ये लगा सकते हो। ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अपना नंबर वगैरह अगर मैसेज कुछ टाइप करके रखना है, लिखना है, उसके स्क्रीन पे दिखेगा डायरेक्ट जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर पे क्लिक करना है और पासवर्ड वगैरह जो भी सेट करना है वो हो जाएगा, मतलब कि हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। और अगर नाम वगैरह, अब नाम भी चेंज कर सकते हो, आप देखो यार यहाँ से नाम भी उस फ़ोन का चेंज कर सकते हो, जो भी नाम का फ़ोन का मॉडल है आपको उसको अगर कुछ और लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट, रिसेट भी कर सकते हो फ़ोन उसका, उसके फ़ोन का EMEI नंबर भी देख सकते हो। यार वो और क्या चाहिए आपको, इतना कुछ तो मिल ही रहा है, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पूरा उसका फ़ोन क्लियर कर सकते हो अपने फ़ोन से, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उसके फ़ोन में अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना है। उसके बाद आप देख क्या क्या देख सकते हो उसके फ़ोन का, यहाँ तक उसके फ़ोन को पूरा रिसेट भी कर सकते हो। रिसेट पे क्लिक करना है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन नहीं करूँगा, आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप करके देख लेना, मैं नहीं करना चाहता। जिसके फ़ोन का भी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ उसके फ़ोन को रिसेट, तो मैं नहीं करूँगा। तो आप यहाँ से उसके फ़ोन का लोकेशन तो आप देख ही रहे हो। आज के लिए बस काफ़ी है, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में दूसरे जुगाड़ के साथ। और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया कुछ भी तो कर लो यार, कुछ तो बता दो कैसा लगा आपको, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमसे कुछ भी बातें करनी चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट जाके मैसेज करो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके क्लिक करो। तो बस आज के लिए रहने देते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, टाटा बाय बाय।